जय हिंद जय भारत साथियों, आ चुके हैं हम एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। और ये जो वीडियो है आप सभी के लिए बेस्ट होने वाली है। अगर तुम्हें सफलता पानी है तो तुम्हें कई बार विफल होना पड़ेगा। आज के इस कंपटीशन में मेरे दोस्त तुझे डटकर मुकाबला करना होगा। तो आज के इस वीडियो में हम क्या चर्चा करने वाले हैं, आप सभी को पता होगा, थंबनेल में देख लिया होगा। देखिए, ये जो है नगरपालिका, राजस्थान नगरपालिका भर्ती, कहाँ कितने पद हैं, इनमें किन किन लोगों ने कमेंट किए थे, कैसे कमेंट किए थे, उनके आज आंसर देने वाले हैं। तो बस आप वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से अभी वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि भारत में जितनी भी भर्तियाँ निकलती हैं वो सभी आपके साथ शेयर की जाती है मेरे दोस्त, और वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। तो राजेश सर, आप इनको बता दीजिए क्या क्या इनके सवाल थे और हम इनको उसका आंसर देने वाले हैं। जय हिंद वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आपने इस वीडियो में कहाँ कितने पद हैं, नगर पालिका की जो वीडियो है इस पे आपने कमेंट किए थे, उनके जवाब हम आपको देने वाले हैं। तो देखिए, कमेंट आपका है, एक है तरुण यादव, वीडियो देखने में मजा आ गया। अरे भाई साहब, बिल्कुल। तो मेरे दोस्त, हम वीडियो ऐसी बनाते हैं जिसमें मजा आए आपको, है ना, देखने में आपको रुचि बढ़े, मन लगे, ऐसे वीडियो होनी चाहिए ताकि आपकी भी मतलब इच्छा हो। अगला जो कमेंट है वो है मानसी शर्मा, सर इंटरव्यू के लिए सभी को बुलाया जाएगा ना या परसेंटेज के ऊपर लेंगे, रिप्लाई प्लीज। देखो, इंटरव्यू में जो फॉर्म भर दिया उसका इंटरव्यू तो लेंगे ना वो, और परसेंटेज बेस पे ये नौकरी है ही नहीं। नहीं, यहाँ पे तो ट्रेड टेस्ट और इंटरव्यू के ही माध्यम से सिलेक्शन होगा। बिल्कुल, जिसको काम करना अच्छा आता है उसको नौकरी मिलेगी, तो सबको बुलाया जाएगा, मौका तो सबको मिलेगा। बिल्कुल, और काम भी करवाएंगे वहां पे। बिल्कुल सबको। अगला जो कमेंट है वो है जानवी, कोई मत भरना इस जॉब में, सफाई का काम करना पड़ेगा, रोड पर नालियों की सफाई, मरे हुए जानवर फेंकने पड़ते हैं, मत भरना कोई। बिल्कुल भाई, काम तो सही है भाई, देखो, यही करना पड़ता है, सही है, लेकिन काम सभी को करना पड़ेगा। अगर आप जा रहे हो, नौकरी पा रहे हो, तो आपको काम तो करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल भाई, नालियां भी साफ करनी पड़ेगी, सड़क भी भारना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। सड़क के बीच में अगर कोई जानवर जीव जंतु मर जाता है तो उसको भी साइड में उठाकर डालना पड़ेगा। बिल्कुल, काम तो करना पड़ेगा। बहुत ही अच्छी बात कही है, लाइक मिलेगा उसको एक। अगला कमेंट है प्रिंस कुमार, अदर स्टेट वाले फोरम को भर सकते हैं क्या? देखो भाई, अदर स्टेट वालों के लिए है ही नहीं। बिल्कुल, अरे यहाँ राजस्थान वालों के तो टोटे पड़ रहे हैं। और आप बोल रहे हो अदर स्टेट वाले भरेंगे? नहीं भाई, उसमें कोई आरक्षण का प्रावधान ही नहीं है, फिर कैसे लग पाओगे आप भाई, इसमें लड़ाई हो रही है अभी। अगला जो कमेंट है वो है पवन का कमेंट है, सर जी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल से बनवा सकते हैं क्या अनुभव प्रमाण पत्र, प्लीज रिप्लाई। देखो, बनवा तो सकते हो, लेकिन उसमें आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जो है वो तुम्हारा सरकारी होना चाहिए, सरकारी, क्योंकि इसमें आपने अभी देखा है कितने वो चल रहे हैं यहाँ पे, सरकारी का पहले चलेगा, प्राइवेट को बाद में प्राथमिकता मिलेगी। पहले भाई अब सरकारी को कर दी है भाई, जो सरकारी में काम कर रहा है उसको पहले प्राथमिकता दी जाएगी, प्राइवेट को बाद में। और अभी तो रुको, कोई पता भी नहीं है सरकारी वाले को भी लेंगे नहीं लेंगे। नहीं, वो तो सही है, अभी तो रुको, अभी तो बहुत बाकी है, देखना प्राइवेट वालों को भी चलाएंगे, सरकारी वालों को भी चलाएंगे, पता नहीं क्या क्या चलाएंगे, अभी तो देखते जाओ आप क्या होता है, क्या दंगे प्रसाद होते हैं। अगला जो कमेंट है वो है वीना शर्मा, सर इसमें सैलरी क्या रहेगी? देखो, शुरू में आपको 2 साल तक तो 12,000 रुपए मिलते हैं। बिल्कुल, फिर आपके 18-20 हजार हो जाते हैं, फिर जैसे जैसे आपकी साल बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आप पुराने होते जाओगे उस नौकरी में, आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। अगला जो कमेंट है राधिका का कमेंट है, सर अनुभव सरपंच से बनवा सकते हैं क्या? देखो, सरपंच अकेले से ही थोड़ी बनवा सकते हो, नहीं, नहीं। उसमें जो ग्राम सेवक बैठता है, जिसको हम वीडियो बोलते हैं, उसके भी सिग्नेचर करवाओ, उसकी भी मोहर लगवाओ भाई, वो चलेगा आपका। अगला जो कमेंट है वो है नटूर लवर, भंडारा कर रहे हो क्या सर? अरे भाई, भंडारा ही है, यहाँ सारे पद बताए हैं आपको, टोटल पद बता रखे हैं, वो भंडारा ही है एक तरह से। अभी वीडियो जिसने नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हो। अगला जो कमेंट है वो है राजेक्स मुप, अरे भाई नाम तो कम से कम नाम, अगला सामने वाला नाम तो ले अच्छी तरीके से। कॉमेडी भी खतरनाक करते हो वीडियो में दोनों,
यानी कि हम दोनों 10 मिनट कब गए पता भी नहीं चला, सारा पद बता दिए। अरे भाई बिल्कुल बिल्कुल, जब ही तो देखो हम तभी तो मतलब ऐसी वीडियो बनाते हैं ताकि आप देखते रहो, आपको मजा आए, आप बोर ना हो। ठीक है, मेन बात तो ये है। और जो इंसान पढ़ाई में बोर हो जाता है फिर वो पढ़ाई कैसे करेगा, और बीच बीच में अगर मनोरंजन होता है तो वो आराम से पढ़ाई करेगा, उसका मन भी लगेगा। बिल्कुल, तो ऐसे हम भी मतलब जो भी वीडियो बनाते हैं उसमें मनोरंजन होता है और बिल्कुल बेसिक से समझाते हैं ताकि आप भी समझ सको। अगला कमेंट है रुपेंद्र सिंह, सर कागज क्या चाहिए, सुना है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए। भाई बिल्कुल बिल्कुल, अनुभव प्रमाण पत्र तो चाहिए, और सबसे ज्यादा मुद्दा भी इसका इसी का मुद्दा है, यही तो चाहिए ही चाहिए, ये तो चाहिए, इम्पोर्टेंट है ये तो। हाँ, और स्कूल का बनवा सकते हैं क्या, बिल्कुल सरकारी से चलेगा, सरकारी का तो बिल्कुल बनवा। अगला जो कमेंट है वो है कुलदीप शर्मा, सिर्फ सफाई कर्मचारी लेंगे या कोई और पोस्ट है क्या। नहीं 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 भाई साहब, देखो यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ ये भर्ती केवल और केवल सफाई कर्मचारी के लिए है, अन्य किसी पद के लिए यहाँ पे कोई पद नहीं है अन्य। भाई आपको टॉयलेट साफ करने हैं, सड़क साफ करनी है, सब कुछ करना होगा, वो सिर्फ सफाई कर्मचारी। अगला जो पद है वो है यूजर नकोशल्या भाई हमें नहीं पता क्या है, जनरल के लिए है क्या। अब देखो मुद्दा तो यही है कि भाई बोल रहे हैं कि वाल्मीकि समाज को 60% मिलेगा, बाकी को इतना मिलेगा इतना मिलेगा। अरे भाई जनरल हो चाहे कोई हो, फोरम तो सभी भरेंगे देखो इसमें। और भाई देखो जो वाल्मीकि वाले लोग हैं वो जनरल के लिए कहते हैं कि भाई अरे यार आप कब से करने लग गए सफाई, तो ये तो हमारे काबू नहीं लग रहे जर्नल के, और आ गए यहाँ पे। बिल्कुल, अगला जो कमेंट है वो है महेंद्र ठाकर, न धाकर, धाकर धाकड़ बोल, धाकड़ चले बस क्या रहेगा। अरे मेरे भाई, भाई साहब आपको यार ये बात पक्का पता होनी चाहिए कि जब यहाँ पे सीधा सीधा लिख रहा है कि भाई परीक्षा लेन में भी हमने लिखा है बिना परीक्षा, अब भी लिख रखा है बिना परीक्षा भर्ती, अब इसमें सिलेबस कैसा करोगे, कैसा मांग रहा है मेरे दोस्त बताओ। अब आप इसमें इंटरव्यू होगा, आपसे सफाई करवा कर देखेंगे, सिलेबस नहीं चाहिए इसमें। हाँ तो आज के लिए इतना ही है, अगली बात करेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद जय भारत।